अदर डाइनो की एंट्री कैलकुलेट ही नहीं की थी, अब क्या होगा? अब ये गाजर का हलवा रेडी हो गया है, बस एक काम बाकी है महाराज जी, इसमें काजू डालेंगे। आप अंदर घर पे आ जाइए, मैं आपको काजू दे देती हूं। चलिए मैडम जी, चलते हैं। ए मुनवा भैया, जाके दुकान से सूखी लाल मिर्च लेके आवा हो, जावा। अब देखना करुणा जी, ये विशेष खोल आपके खाने का स्वाद कितना बढ़ाता है। अरे सत्यानाश हो इस महाराज का, और इसके कारण मुझे इस चुल्लू पर पानी में डूबना पड़ रहा है। चला हूँ मुनवा, ये डेक्चा पानी गर्म करेगा अपने का। पतीला? अरे ये किस पतीले के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, ये इस पतीले के बारे में बात तो नहीं कर रहे? अरे कहाँ फंस गया मैं? बाहर निकला तो ये हलवाई मेरा हलवा बना देगा, और अंदर रहा तो मैं आलू की तरह ऊपर जाऊंगा। अरे क्या करूं मैं? अरे क्या फंस गया मैं? पेंटिंग को वीर-लोक पहुंचाकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने अनन्या। मिस्टेक होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ये गुड न्यूज है। थोड़ी देर में तुम्हारी लाइफ ही बैड न्यूज बना दूंगा मैं, बिकॉज क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। छोड़ो या ना छोड़ो, विवान सेफ है, मेरे लिए यही इनफ है। बस करो रे, अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। जो हो गया सो हो गया, चलते हैं यहां से। थैंक गॉड, बस अब ये पेंटिंग वीर-लोक पहुंच जाए, उसके बाद विवान इससे फ्री हो जाएगा। चला हलवा तैयार होगा, लेके चला भैया। लेकिन उतरने का कोई प्लान नहीं बनाया तुमने।
अरे हाँ ना, तो इसमें इतना आग बबूला क्यों हो रही हो? लेट मी थिंक। अब तो ये मदर डायनासोर आग बबूला हो रही है। ये मैंने हरे भरे कबाब बना के हमें सेकेंगी और इसका जो बच्चा है वो हमें लाजवाब समझ के खा जाएगा। वेट वेट वेट, मेरे पास एक आइडिया है। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, उससे पहले हमारे बाल भी क्यों बना दे। यहाँ के पत्ते एटलीस्ट 10 फीट बड़े तो होंगे, सो हम इन्हें पैराशूट बनाकर नीचे फ्लोट कर सकते हैं। यस, पॉसिबल तो है। अगर उसकी मम्मा ने देख लिया ना तो हमें छोड़ेगी नहीं। यू आर रॉन्ग, मदर डायनासोर का बच्चा हमारे पास है। अगर हम नीचे गिरेंगे तो ये अंडा भी नीचे गिरेगा और इसे भी चोट लगेगी, लेकिन अगर हम इसे सेफ रखेंगे तो मदर डायनासोर हम पर अटैक नहीं करेगी। देख ला, मतलब हम डायनासोर के अंडे को किडनैप कर रहे हैं? नहीं यार, हम जमीन पर पहुँच कर इस अंडे को सेफली रख देंगे ताकि माँ भी खुश, अंडा भी खुश और हम भी खुश। गॉड, मैं यहाँ से नहीं जा पा रही हूँ, पर अब ये पेंटिंग परियों को मिल जाएगी और चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन बरगद को कभी अपनी छाया नहीं दे सकता। और तुम्हारी इस बेवकूफी से मुझे ये तो पता चल गया कि तुम एक छोटा सा पौधा नहीं, बल्कि किसी मामूली सी घास का एक छोटा सा तिनका, और मैं बरगद का पेड़।
वो। यहाँ तो सैकड़ों गुफा है, ये सूचक यंत्र भी सही गुफा के बारे में नहीं बता पा रहा। का मतलब इन 100 गुफाओं में से किसी एक गुफा में आना नहीं है, लेकिन वो एक गुफा कौन सी है? तो ये थी तुम्हारी लिटिल स्कीम। एट लास्ट तुम्हारी स्कीम हो गई खलास। अब करना क्या है इस लड़की का? ये रंग बिरंगी सी तितलियां आजकल कुछ ज्यादा ही जादू करना सीख गई, लगता है इन्हें इनकी औकात अब दिखानी ही पड़ेगी। अंदर के कलाकार को तो तुमने खत्म कर दिया तिमनासा, उसकी कलाकारी को भी खत्म कर देते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या हुआ, चालाकी की गुरु जादू करना भूल गई हो क्या? ये वक्त तिमनासा, इस पेंटिंग को तुम तो क्या जहन्नुम की आग भी नहीं जला सकती है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं इस जगह को जहन्नुम बना सकती हूँ ना, लेकिन ताकि तुम्हें तुम्हारा बालवीर तो क्या दुनिया की कोई भी शक्ति बचा ना पाए। बालवीर तुम कहाँ हो? आई विश कि तुम किसी तरह यहाँ पे पहुंच जाओ। ये गुफाएं तो आपस में धागों की तरह उलझी हुई है, अगर मैं इन्हें सुलझाने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हर इंसान के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। अब इस तापमान मापक यंत्र की मदद से मैं अनन्या को ढूंढ सकता हूं। Thank you.
ओके ओके, लेकिन अगर मैं भी मामा वो भी मामा तो फिर मामा कौन है? ओली ली 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 ली। रिंकू, तू ठीक तो है ना? हाँ, हाँ। अगर ये तुम्हारी मामा है, ये तुम्हारी मामा है, तो मैं तो तुम्हारा अंकल हुआ ना? तुम मुझसे क्यों ऐसे अटैक कर रहे हो? ओए रिंकू, फालतू वाली बातें मत कर और सेंटी भी मत हो, क्योंकि इसकी असली मामा ना वहाँ पे आसमान में उड़ रही है, और अगर उन्होंने ये देख लिया तो वहाँ में गटक जाएंगे। गो 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 गो, जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ। अरे ये मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे इसे साइकोलॉजी में इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है ना, तो उसकी आंखों के सामने सबसे पहले जो चीज आती है ना, वो उसका पीछा करने लगता है। आंखों के सामने? हाँ, क्यों? अब ओ डायनो बेबी, पीछे देखो, ओ वहाँ पे कुछ है, उधर पीछे पीछे पीछे। चल चुप चुप चुप। इतने छोटे बच्चे को इतने बड़े जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ये अकेला नहीं है वो, ऊपर उसकी मां मंडरा रही है। सुनो इनको, चल। वाह करुणा जी वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है, जैसे जैसे मैं जैसे स्वर्ग की रसोई से बना हो। हाँ। क्या हुआ? अरे पेट में दर्द हो रहा है। हलवे का ओवर ईटिंग हो गया क्या? पता नहीं। हे भगवान, महाराज जी ने क्या पिला दिया हलवे में? अरे करुणा आंटी, इनका डाइजेशन कमजोर है ना, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। करुणा आंटी, जितना भी हलवा बचा है ना, हमें दे दो, हम तो लोहे की चने भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ये हलवा क्या चीज है? अरे अभी तक तो मैंने अच्छे से खाया भी नहीं, तब भी मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। Work, Vivan. Thank you. Mama! Yay! Mama! अरे, ओली ली ली ली, तूटी तो मेरी तरह एकदम स्मार्ट है। ओली ओली, स्नीज आ रही है, और बेसी। रिंकू, अरे रिंकू, अच्छा जी हट। अरे ये क्या कर दिया? अरे मामा, ओ ओ ओ
विवान, तू ठीक तो है ना? हमें सबसे पहले इस फायर वॉल से छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी हम गेट की तरफ जा पाएंगे। हाँ, अभी तक तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं इसे पैदा होकर, और इसने अभी मेरे मुंह में आग लगा दी। अगर और 15 मिनट रहा तो पता नहीं कहाँ कहाँ आग लगा दे। रे और भाईमार भी यहीं पर है, लेकिन मैं अभी इनसे नहीं लड़ सकता। मुझे पहले अनन्या को ढूंढना होगा, और यहां से आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी बाजुओं का नहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। I'm sure कि बालवीर सीक्रेट डेन मानने की कोशिश जरूर करेगा। बॉस स्टबर्न है वो। इस गुप्त स्थान के चारों तरफ तिमनासा ने दिशा भ्रम की कई परत बिछा रखी है, पर फिर भी अगर बालवीर यहां तक पहुंच गया तो इन 100 गुफाओं में ऐसा भटकेगा कि खुद को भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है वो, हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए। से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर, चलो चलते हैं यहां से। एक सेकंड बालवीर, मुझे यहां से ले जाने से पहले तुम्हें वो पेंटिंग ढूंढनी होगी, क्योंकि उसी पेंटिंग के एग्जिट डोर से विवान डायनासोर वर्ल्ड से बाहर आ सकता है। सिर्फ विवान ही नहीं बल्कि रिंकू और आरोही भी। What? हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वैसे ही बात है। लेकिन आखिर वो एक्सिट पेंटिंग है कहाँ? यही कहीं इसी डेन में होगी, पर आई एम श्योर तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो तुम उस पेंटिंग को भी ढूंढ लोगे। कोई शक? ज्यादा टाइट मत बांधना ब्यूटी को। बहुत सैड फील हो रहा है मुझे फायरबॉल के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है मेरा हार्ट क्या पत्थर से बना? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बेबी डायनासोर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मामा, मामा। रिलैक्स डायनो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ जाएगी। चलो बाय बाय फायरबॉल। बाय क्यूटी। चलो चल। थोड़ी ही देर में कितना घुल मिल गया था हमसे क्यूटी, मानो जैसे हमारा ही तो। रिंगो, रिंकू तो ठीक तो है ना? हाँ। लेकिन इतने अजीब से शेप का गड्ढा बना कैसे? अरे ये कोई गड्ढा नहीं है आरोही, ये टीरेक्स के फुटप्रिंट का निशान है। क्या मतलब? बड़ा वाला डायनो,
Oh my God! हारुई, तुम रिंकू को इस गड्ढे से बाहर निकालो, मैं तब तक ये चेक कर आता हूँ कि क्यूटी चिल्ला क्यों रहा है। रिंकू कैच। क्या लगा तुम सब कुछ खुद ही कर लोगे? माना कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं? वो इतना बड़ा डायनासोर है, तुम उसे अकेले कैसे संभालोगे? इस वर्ल्ड में मेरी मैजिकल पावर्स भी वर्क नहीं कर रहे, बट हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। फायरबॉल खतरे में है। ठीक तो ना? क्या कहना, हमेशा महंगा पड़ता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, इंसान है ना, बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पता नहीं क्या मिला के खिला दिया इन्होंने। पुलिस, इंस्पेक्टर साहब, आप? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आप इन्होंने खाने में क्या मिला के खिला दिया। अच्छा तो आप हैं करुणा जी, आपका सस्ता खाना खाकर इन सबको सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, खाना सस्ता जरूर है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। मैं सालों से टिफिन सर्विस कर रही हूँ, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। आपको जो भी बोलना है कोर्ट में बोलिएगा। इंस्पेक्टर साहब, बहू सही कह रही है, हमारे लिए टिफिन सर्विस महज एक बिजनेस नहीं, धर्म है। और आप ही सोचिए, धर्म के साथ कोई धोखा कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ झूठ बोल रहा है, इनकी बातों मत आओ, इन्हें सब कुछ पता था, तभी तो इन्होंने खाना अपने परिवार को नहीं खिलाया। इनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और इनके ससुर को कुछ नहीं हुआ। अब क्या कहेंगे आप, इसमें जरूर आपकी कोई साजिश है। भगवान, आज के दिन ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने हमें। मेरी बात तो सुनिएगा। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। मैं शशि का गोल पूरा हलवे में डालने ही वाला था, लेकिन वो कम्बा का हलवाई बीच में आ गया और मुझे गर्म पानी में उबालने लगा, इसलिए। बेवकूफ कहीं के, अगर तुम अपना काम तरीके से करते और ये पूरी दवा उसमें मिलाते तो आज भारत नगर के सारे लोग मर चुके होते। बेवकूफ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए। करुणा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और बालवीर यानी? अरे उसे भी जेल जाने से डर लगता होगा ना आपकी तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, तो बात बोलेगा बोलेगा। अगर ये बालवीर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? यस, ये और तो प्लान, मैं उस बड़े डायनासोर का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम इस बेबी डायनासोर को यहाँ से लेकर जाना।
सारी हीरो के लिए तुम्हें ही आती है क्या? आई से कि तुम फायर बॉल को बचाओ, हमें इसको थमा लूंगी। रिप, हेलो, ओ हेलो इधर, ओ हेलो, हेलो इधर, अरे ए, इधर इधर, ओ हेलो इधर आओ, ए, ये लड़की भी ना, इधर आखिर तिमनासा ने वो चित्र कहां छुपाया है? अच्छा ठीक है प्यार बहुत दिखा दिया, अब थोड़ी मदद भी कर दो। तुम्हें छींक खाकर उस बड़े डायनासोर की पूंछ पर अपने मुंह से आग लगानी होगी। मामा। अरे आचू आचू, जैसे मेरे पूंछ पे, अब मेरा मतलब मेरे बम पे आग लगाई थी तुमने, वैसे ही उस बड़े डायनासोर की पूंछ पे आग लगा दो। आचू उधर उधर आचू। विवान, तुम फायरबॉल के साथ दमछराज खेल रहे हो क्या? चलो उसको जल्दी से बचा के भागो यहाँ से। मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर जाने वाला इंसान नहीं हूँ। रिंकू ये ले।
अरे थैंक्स क्यूटी, आई न्यू यू लाइक मी। ओके ओके, अब जल्दी से बताओ हमें जाना कहाँ है? दिस वे, दिस वे। चलो चलो चलो। चित्र तक पहुंचने के लिए जिस लेजर के माया जल को पार करना होगा, लेकिन कैसे? ओ धन्यवाद मक्खी जी। पहला पड़ाव तो आसानी से पार हो गया, लेकिन ये कांच की दीवार, बालवीर यहां पे आ गया। नासा की शक्तियों को नजरअंदाज कर लिया मैंने, अब क्या करूं? ये ठीक लग रहा है ना? परफेक्ट है। वैसे ही तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे आज क्यूटी ने मेरी जान बचाई है और उसका बर्थडे भी है, तो पार्टी तो बनती है ना। और वैसे भी फायरबॉल आज ही तो पैदा हुआ है। चलो ब्लो द कैंडल्स। वैसे ये कैंडल बजाने का अच्छा तरीका है। मामा। गाइस गाइस गाइस, मैंने इस वर्ल्ड के गेट तक पहुंचने का मैप बना लिया। हाँ? ये देखो, अब हम इस नक्शे की मदद से अरे ये क्या कर दिया? मैं मुझे फिर से नक्शा बनाना पड़ेगा। मामा, तुमने
तो डायनासोर के फुटप्रिंट को स्टडी करके हमें सही डायरेक्शन बताई थी ना रिंकू, तो फिर यहाँ पे डायनासोर कैसे आ गया? अरे लेकिन वो डायनासोर के फुटप्रिंट सीरेक्स के थे, ये कोई अलग डायनासोर है। बट आई थिंक हमें अब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ तो चलो जल्दी चलो। लगता है यहां से जाने में ही भलाई। बालवीर तो यहां है नहीं, तो ये सुरक्षा घंटी बजी क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहीं है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। रे 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 रे, बालवीर नहीं, मूषक वीर है। को बताकर चलो। चुमाओ चुमाओ चुमाओ। अरे रिंकू यहां नहीं छुपना, यहां अंदर अंदर आ, अंदर जल्दी 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 आ। सर्वाइवल इंस्टेंट कहते हैं। खतरा देखकर क्यूटी के अंदर लड़ने की पावर्स आ गई। अरे लेकिन इसके अंदर अभी इतनी भी पावर नहीं आई है कि ये इस बड़े डायनासोर से लड़कर हमें बचा ले। तो हमें कौन बचाएगा? We'll be right back.
क्यूटी डरो मत, यही तुम्हारी असली माँ है। जिस गुनाह के लिए आपने करुणा जी को गिरफ्तार किया है वो गुनाह उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया है। लेकिन कानून बिना किसी प्रूफ के कोई बात नहीं मानता। वो देखिए, जिन लोगों को विषैले भोजन की वजह से समस्या हुई थी मैंने उन्हें ठीक कर दिया है, और अब रही असली गुनहगार की बात, तो मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उसे जल्द ही आपके सामने ले आऊंगा। सुनिए ना, एक बार देख लीजिए ना कि भारत नगर में क्या चल रहा है। आपको ठीक लगा ना खाना? करुणा जी, खाना खाते मजा आ गया। हाँ। क्या टेस्टी स्वादिष्ट खाना बना था। ये सब ठीक कैसे हो गया? हम दोनों की एक सिलाई की दुकान है, उसमें जितने वर्कर है ना उन सबको खाने का ऑर्डर आपके यहीं से देंगे। थैंक यू। हाँ भाई, खाना। फाइनली! मारने से पहले मेरी बात सुनिए ना, मुझे एक सिर्फ एक मौका दीजिए सुधरने का। एक आखिरी मौका, तौबा तौबा। कहा बताई, बहुत भारी है। अरे बबुआ, अरे शाम्बा। हाँ। क्या करत रही? खीर बना रहे। अरे खीर में जरा जहर केसर मिलाई दो, स्वाद आई। अरे का, जा जल्दी जा। अरे अरे, मैं अटक कैसे गया? यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? बच्चा होगा तुम्हारा पापा। हम नहीं बोल रहा हूँ। हम तो ये बोल रहा था कि खीर में दूध मिलाना क्राइम है का इंस्पेक्टर साहब? ठीक है। अरे क्या ठीक? बालवीर, तो ये दूध ठीक है बताओ? नहीं नहीं, हम नहीं पीऊंगा ये दूध। नहीं नहीं, देखा इंस्पेक्टर साहब, कहा था ना मैंने, इस सब के पीछे करुणा जी का हाथ नहीं, बल्कि गाजर के हलवे में जहर भी इसी ने मिलाया था। यू आर अंडर अरेस्ट।
इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इनसे कुछ पल बात कर सकता हूँ? आइए। कहाँ? मैं तुम्हें पुलिस के डंडों से बचा सकता हूँ। अच्छा, शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो ये दूध पैरानी को जाकर पिला दो। नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि तिमनासा ने वो चित्र किसी गुफा के अंदर छुपाया है। उस गुफा के अंदर जाने के लिए जो सुरक्षा कवच, उस सुरक्षा कवच को कैसे तोड़ा जा सकता है? कोई तरीका? उसे कैसे तोड़ा जा सकता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने भैरानी को भराजा को ये कहते हुए सुना था कि बालवीर उंगली सीधी करके वो चित्र कभी नहीं निकाल सकता। बालवीर देखो, मैंने आपको सब सब सच सच बता दिया है। अब मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता बता दो, नहीं तो ये इंस्पेक्टर मेरी खाल उधेड़ देगा। कुछ करो बालवीर। ये लो। क्या है? यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ये दबा देना। बालवीर जी, अभी मैं इसे ले जा सकता हूँ? अब तो आपको विश्वास हो गया कि सब के पीछे करुणा जी का कोई हाथ नहीं है। धन्यवाद मेरी बात मानकर करुणा जी को छोड़ने के लिए। अब आप इसे ले जा सकते हैं, मैं भी चलता। बाबा तबा ने कहा था कि उस तस्वीर को हासिल करने के लिए मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बालवीर, तुम सच में इतने नादान हो? तुमने तौबा तौबा की बात पे यकीन कर लिया, लेकिन आज देख भी लिया। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही खास तोहफा है, देखना चाहोगे? तुम क्या सोचते हो कि तुम हम पे ब्लफ मारोगे और हमें क्लीन बोल कर दोगे? आ जाओ। बालवीर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पीठ पे वार। धन्यवाद वायुपरी, धन्यवाद अनन्या। मेंशन नॉट बालवीर, तुमने दिल से नहीं बुलाया फिर भी मैं आ गई। अब हमें इस निकास द्वार की तस्वीर की मदद से विवान और दोनों बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मदर डाइनो ने हमें एग्जिट पेंटिंग तो पहुंचा दिया। थैंक यू मदर डायनासोर। थैंक यू। इसलिए कहते हैं
कि भलाई का फल भलाई होता है। बाय बाय फायरबॉल। बाय बाय क्यूटी। बाय बाय क्यूटी। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा। विवान, रिकू, आरोही, तुम लोग इस पेंटिंग से बाहर आ जाओ। तुम लोगों के सामने एक एग्जिट पेंटिंग बनी हुई है। चलो। मेरे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा काम आसान कर दिया। एक के बदले दोनों बालवीरों को इस तस्वीर में कैद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तिमनासा, समय से पहले जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। इससे पहले भी मैंने मतलब हमने कितना कुछ किया। विवान, अगर हम मैराथन रेस रन कर रहे हैं और फाइनल लैप में है और टीरेक्स हमें खा जाए तो उसे विनर नहीं शहीद कहलाएंगे। अरे लेकिन तो इससे पहले भी तो कई बार संभाला ना। है तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। उससे पहले टीरेक्स की मॉम आ जाए हमसे बदला लेने। हाँ। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना चाहिए।
बिल्लियां चाहे कितनी भी झुंड में क्यों ना आ जाए, लेकिन एक शेरनी का शिकार नहीं कर सकती। अनन्या, तुम तस्वीर को संभालो, मैं इसे देखती हूँ। यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें उस दरवाजे से बाहर जाना होगा। चलो। एक सेकंड। विंग का फ्लो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ट्रैजेक्टरी एंगल है 45। तो इसका मतलब अगर हम गुड जॉब गाइस, अभी हम कहाँ आ गए? अभी कौन सी जगह है? क्या हम अभी भी पेंटिंग के अंदर ही हैं? विवान, तुम इन लोगों को एक्सप्लेन करो, मैं और बालवीर जाके पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं समझाता हूँ कि मेरे सब में एक्चुअली हो क्या रहा है। वो सब छोड़ो, लेकिन पहले ये बताओ कि हम हैं कहाँ पे? हाँ समझाना। हाँ समझाता हूँ। खुशी दीदी, आंटी ने खाना बहुत अच्छा बना है। तो मम्मी किसकी है? और चाहिए? हाँ मुझे थोड़ा हलवा। हाँ मुझे थोड़ी सी खीर। थैंक्स पार्टनर, लेकिन अगर आप ना भी आए होते ना तो मैं उस डेरेक्स को आराम से संभाल लेता। बात तो सही है, आखिर तुम मैन ऑफ द मैच जो हूं। लेकिन एंड बॉल पर आकर मैंने जो सिक्सर मारा है ना, लोग उसी को याद रखेंगे, यू नो विनिंग शॉट। जस्ट जोकिंग विवान, जस्ट जोकिंग। मैंने कहा था कोई तिमनासा कि बालवीर बहुत जिद्दी है। मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं रे, मैं बुराई का वो काला सूरज हूं जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति डुबा नहीं सकती। सरल भाषा में मतलब हुआ कि भैरानी भी ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। और मैंने भी अपने अगले हमले की तैयारी शुरू कर दी है। बालवीर, हमारा अगला हमला बहुत घातक होने वाला है।